आज रात को ओटीटी और डीटीएच का रेफरल लिंक आने वाला है। सिर्फ ओटीटी और डीटीएच का रेफरल लिंक आज रात में आएगा, और आज रात में जो पेमेंट पीसीटी में पेमेंट आप लोग ऑर्डर के लिए लगाया था, आज रात में देने के लिए बोले हैं। जब तक आ जाएगा तब तक हम लोग कन्फर्म बोलेंगे, और सार बोले हैं आज रात तक वो ऑर्डर दे देंगे। और पेमेंट जिसने भी कुछ पेमेंट किया था, आर आर किया था पेमेंट, उनका फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? हम लोग पहले जैसे एसबी अकाउंट के लिए पेमेंट दे रहे थे, उधर जो रिमार्क में गूगल पे में जब हम लोग पेमेंट दे रहे थे, रिमार्क में हम लोग एसबी के भी नंबर लिख रहे थे। अभी आपको क्या करना है, रिमार्क में आपका केजीआई नंबर लिखना पड़ेगा, और उधर बीसीटी में भी जो पेमेंट डिपॉजिट का साइट है उसमें भी रिमार्क में केजीआई नंबर डालना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों फेल हो रहा है डिपॉजिट आपका? आप जो पेमेंट दे रहे हो फोन पे में या गूगल पे में, वहां जो रिमार्क है, रिमार्क में आपका केजीआई नंबर भरना पड़ेगा जिस अकाउंट के रिसीट के साथ लिंक है। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपका बीसीडी में जो डिपॉजिट है उसमें भी एक रिमार्क है, जो ट्रांजैक्शन आईडी नीचे रिमार्क है, रिमार्क में भी आपका केजीआई नंबर डालना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन आईडी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट हो गया ओटीटी डिटेल्स का रेफरल लिंक, वो 25 लेवल तक आएगा रेफरल में। और सबसे बड़ा बात है, दैट इज ने बोला जो ओटीटी डीटीएच के लिए कुछ अलग से कॉइन एलोकेट करे रखे हुए हैं पहले से ही, व्हाइट पेपर से अलग करके। वो ओटीटी और डीटीएच जो हम लोग देंगे, दोबारा हम लोग को मौका मिलेगा स्टेकेबल कॉइन कमाने के लिए। रिपीट में कर रहा हूं, दोबारा ओटीटी डीटीएच प्रोजेक्ट में हम लोग को स्टेकेबल कॉइन इनकम करने के लिए मौका मिलेगा। मैं स्टेकेबल का बात बोल रहा हूं, और ये 5 महीना तक चलेगा ये जो ऑफर, स्टेकेबल कॉइन कॉइन कॉमन का ओटीटीज में, तो सिर्फ 5 महीना के लिए है, 5 मंथ। ठीक है, ये हो गया अपडेट, बड़ा अपडेट। और अपडेट क्या था, जो फ्लैट में आप एक फ्लैट किसी को रेफर कर रहे हो, तो फ्लैट में आपको A1 फोन मिल रहा है, A1 प्लस फोन ना, और दोनों फ्लैट आप दो दो फ्लैट आप किसी को रेफर कर रहे हो टीम से ना, टीम से फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और जो दो रेफर करेगा फ्लैट को उसको हीरो बाइक मिलेगा, और जो 6 फ्लैट रेफर करेगा उसको 6.5 लाख का मारुति स्विफ्ट कार गिफ्ट मिलेगा। आज 3 आदमी को वो कार हम लोग के सामने गिफ्ट मिला, वो 8 कार विन कर चुके हैं, 7 कार सेविंग अकाउंट में, और 8 नंबर कार उनका विन किया 6 फ्लैट को रेफर करके। उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट हो रहा है गुणपुर में, उसमें वो 6 फ्लैट रेफर कर चुके हैं, 6 लाख को उनको सेकंड कार, देखो मारुति कंपनी में तरफ से सेकंड कार मिला है, और थर्ड गिफ्ट मिला है, उनका नाम क्या है, श्रीनिवास सर। यस श्रीनिवास सर, सुपर सीओ श्रीनिवास सर, उनको डैडी की तरफ से ही ये कार गिफ्ट मिला है। आज हम लोग का सामने उनको गिफ्ट है, 6 लाख का रिफंड दिया। क्यों, फ्लैट का बुकिंग शुरू हो चुका है। फ्लैट लेने का क्या क्राइटेरिया है मैं बोल देता हूँ। विशाखापट्टनम के लिए 37 लाख का रेट हो गया, 27 रुपीज पेमेंट, 27 से 7 लाख आपको देना पड़ेगा एडवांस, और बचता है 20 लाख। 20 लाख को आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हैं, या 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हैं, पेमेंट आप चेक में दो या फाइनेंस बैंक फाइनेंस के जरिए से, ईएमआई के जरिए से भी पेमेंट का प्रावधान है। और डैडी जी ने ये बात बोला, 2000 का 10 लाख जो सेलेबल कॉइन है, 2000 मतलब 500 का हिसाब से 2000 पड़ता है, 2000 सेलेबल कॉइन का जरूरत है।
तो 2000 कॉइन अभी मार्केट में विजिट में खूब कम रेट में बेचते हैं, 80 रुपीज में, 90 बिलो 100 का नीचे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कोई फ्लैट लेने का उनका दिमाग में है, तो बीसीटी में 2000 कॉइन अभी बाई करेंगे तो आपका 2 लाख का नीचे हो जाएगा। इसका मतलब उधर से भी आपको 8 लाख का प्रॉफिट, आपको 2000 का कॉइन देना है ना, तो 500 का आप जितना लेट में बाई करोगे कॉइन को, कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तो आपका 10 लाख 500 का हिसाब से बाई करो तो 10 लाख लगेगा। अभी आप मार्केट से बीटीसी से बाई करके रख लोगे तो आपको वो कॉइन 1 लाख 80, 1 लाख 60 या 2 लाख का अंदर में हो जाएगा, तो 8 लाख का डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। ये भी एक बिजनेस गेम है, जो भी कोई फ्लैट रेफर करने चाह रहे या फ्लैट लेने चाह रहे, बहुत अच्छा है। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा, जो लोकेशन है पहाड़ का नीचे, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, एयरपोर्ट 7 किलोमीटर, शायद मेरा वेस्ट बंगल में ऐसा प्रोजेक्ट होता क्या, उड़ीसा में भुवनेश्वर में ऐसा होता तो मैं तुरंत बुक करके ही आता। ये मौका था, बहुत अच्छा मौका है। अगर विशाखापट्टनम मेरा घर का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बैकवुड में आया, मगर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था। किस प्रोजेक्ट में बैंक फाइनेंस कर रहा है, इसका मतलब यह है बैंक जब इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस करेगा ना, वो ए टू जेड चेक करके फाइनेंस करेगा, पेपर हो, लीगलिटी हो, ए टू जेड चेक करके तो फाइनेंस करेगा किसी भी प्रोजेक्ट, तो फ्रॉड होने का चांस कम रहता है। कोई भी कोई किसी का मन भी डर रहेगा तो 25 फ्लैट ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, जो उसका जो वैल्यू है उसका 47 लाख, और सब कुछ उसका सब कुछ, आपका जिम हो, वॉकिंग डिस्टेंस हो, गार्डन हो या स्विमिंग पूल हो, मार्केट हो, वो सब छत का ऊपर है। वो ऐसा प्रोजेक्ट है, सब कुछ छत का ऊपर है, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है, और डैडी जी बोलते हैं इस क्वालिटी का प्रोजेक्ट इस प्राइस में इंडिया में कोई भी बिल्डर, जितना भी ब्रांड बिल्डर हो, नहीं दे सकता इस प्राइस में। और उन्होंने रो भी पड़ा कि मैं बिजनेस की जिंदगी है, मेरा लड़का इसमें, और देखो मैं 4-5 महीना से आप लोग का कोई भी इनकम नहीं दे पाया, फिर भी आप मुझे भरोसा करके मेरा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो, इससे बड़ा प्राउड मेरे लिए क्या होगा, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और दुनिया में पहला आदमी मैं हूँ जो मुझे इतना लोग डाटी बुलाते हैं, शायद दुनिया में दूसरा कोई आदमी नहीं है जिसको इतना लोग डाटी बुलाते हैं। इस भार को मैं समझता हूँ, इस जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ, मैं आपको डाउन नहीं करूँगा। कीबो यह नया वर्जन में आया है 2.0, कीबो का एक 2.0 वर्जन है, आज से आपका डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, आपसे डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा। ये बात बोला, और सबसे बड़ा बात बोला वाई पे, जो बोल रहे थे वाई पे नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा, माइनिट्स वो भी नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा, माइनिट्स के लिए बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। ये मेरा मानस पुत्र जैसा है, ग्लोबली चलेगा, 600 करोड़ का कॉइन माइनिट्स सिर्फ लगेगा, 500 का हिसाब से मैं लूंगा, माइनिट इतना पावर है इसमें, ये सबके लिए लगेगा अब फ्री में। पहले सोच रहे थे माइनिट को मैं 500 का हिसाब से दूंगा, मगर अभी वो ऐलान किया है मैं नहीं, माइनिट से मैं किससे एक भी रुपया नहीं लूंगा, माइनिट मेरा फ्री होगा, और जो माइनिट हम रेफर देंगे, जो एक्टिवेशन करेगा उसको पैसा मिलेगा। जैसे हम लोग के वॉलेट में जो करता है उसको लेडीज का नाम पे 100 रुपीज मिल रहा है, इससे माइनिट जो बनाएगा उसको कंपनी का तरफ से जो भी होगा 50 रुपीज या 100 रुपीज वो मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा फ्री में। बहुत सारे इमोशनल बात हुआ 4 महीने तक, डैडी ने बोला मैं सुपर सीओ लोग को, जो लीडर लोग को मैं स्पेशली ग्रुप में मैसेज दिया, भेज दिया इधर आने के लिए, विशाखापट्टनम में हो रहा है कुछ बड़ा डेवलपमेंट, आओ जो भी है मन में मुताबिक आओ बैठ के बात करते हैं,
आगे बढ़ते हैं, मगर वो लूप में नहीं आया। कुछ बंदे 7-8 सुपर सीओ लोग आए थे, मायूस, बहुत मायूस हुआ, बोला ठीक है किसके लिए, कोई चीज रुकता नहीं है, ये लाइफ है, किसके लिए नहीं रुकेगा, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और नया नया लीडर तो रेडी हो, अब बिजनेस को आगे बढ़ के जाओ, मैं तुम्हारा साथ हूँ, कभी भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बहुत सारे इमोशनल बात हुआ है, बोलते हैं देखो ये नया लुक, नया रंग लेके क्यों आया है, अभी पर डे बेसिस में परफॉर्म होगा, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये बात भी बोला उन्होंने, जे जो मेरा पास लीडर, जो ओल्ड लीडर थे, एक एक महीना में 30 लाख का पेमेंट लिए हैं, 30 लाख, फिर भी वो कि वो भी भरोसा नहीं कर पाए, हमसे दूर रह गए किसी भी वजह से, इतना भी पेमेंट लिया इसका बाद भी, और ये बात पे ट्रस्ट दे रहे हैं, अभी उन्होंने जो पेमेंट लिए थे उससे भी बड़ा पेमेंट मैं इस सिस्टम में दे के आपको रहूंगा, आप मुझे भरोसा करो, करो फोकसली काम करो, देखो सबके लिए अच्छा होगा, जैसे जैसे रेफरल लिंक आएगा आप टीम को जागृत करो, ये दोबारा आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आया, जिस फ्रेंड ने हम लोग के साथ के वॉलेट में जुड़ा है उन लोग के पास कोनो स्टेकेबल कॉइन नहीं है, कोई भी स्टेकेबल कॉइन नहीं है, दोबारा आपको जो मन में कष्ट था हम स्टेकेबल कॉइन नहीं कमा पाया, दोबारा आपके लिए 5 महीने के लिए मौका मिल रहा है, आप जागृत होके रेफरल में भाग लीजिए और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए, और पहले से जो OTD डिटेल्स लिए थे उनका भी नेक्स्ट मंथ से सेलेबल कॉइन आना शुरू हो जाएगा, वो रेफरल रहेगा, ओल्ड SB अकाउंट जो ओल्ड कूपन वो कन्वर्ट हो जाएगा, MPC में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंडिंग पे आउट भी आना शुरू हो जाएगा, और डैडी ने भी कस्टमर केयर के बारे में क्या बोला, कस्टमर केयर के बारे में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, चार्ज कुछ लीडर को चार्ज दिए हैं, वो लोग फोकसफुली वो काज करेगा। मुझे जो फील हुआ मैं इधर आके, डैडी जी कोशिश कर रहे हैं और उनका कोशिश जेनुइन है, कोई बंदा सामने में आ रहा है, फेस कर रहा है, आप लोग का लीडर वो आपका सामने नहीं आ रहा है, जो सामने आ रहा है फेस कर रहा है, हम उनको भरोसा करें, या जो फेस नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम को, जो उनका दुख हमारा साथ शेयर करने में वो डरते हैं, किसी पे आप भरोसा करें, जो सामने आके आपके साथ दुख में सुख में है उस पे भरोसा करें, ना जो कोई दिक्कत आया भाग गया उसमें भरोसा करें, आप भरोसा करो, आपका खुद का विचार है, खुद का बुद्धि है, क्या होगा नहीं होगा, मेरा इतना सा